दादी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार वाल्मीकि। कहाँ के निवासी हो आप? मैं बाहर सिंगर गेट 104/1 का निवासी हूँ। क्या समस्या, कल घटना क्या घटी आपके साथ, क्या समस्या हुई? समस्या सर ये है कि हमारा पुश्तैनी मकान है बाहर सिंगर गेट कढ़ारी के सामने, जो कि उसमें माँ काली का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे मैं पूजा करने के लिए प्रत्येक दिन जाता हूँ सुबह शाम। उसके उपरांत चंदा, बंटू, इमरान, रिजवान ये चारों लोग वहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने जो है वहाँ पे गुम्मे इकट्ठे कर रखे थे। जब मैंने इनसे मना करने के लिए कहा कि भैया जी गुम्मा इकट्ठे क्यों किए, तो इन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। और जब मैं पूजा अंदर कर रहा था उस समय इन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद में इन लोगों ने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला, सरिया, कट्टा और अन्य औजार भी जिस हाथ में लिए हुए इन्होंने इस तरीके की, जो कि मैं अकेला था, अपने ऊपर जानलेवा हमला हुआ मेरे साथ में। और इन्होंने ये भी कहा कि तुम जात के मेहतर हो, हम तुम्हारी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम एक मेहतर होने के नाते यहाँ पर रह रहे हो, तुम अपना मकान खाली करो और यहाँ से छोड़ के जाओ, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको जान से मार देंगे। इसकी जानकारी आपने प्रशासन को दी क्या? नहीं, हमने साहब कोतवाली पुलिस ने जो है दी है, FIR कराई है, कल हमारा मेडिकल भी हुआ है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ आश्वासन ये मिला है कि ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों ने आपको हमला किया वो लोग क्या दबंग हैं क्या? वो लोग दबंग हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने काफ़ी जो है वहाँ पे हरिजन बस्ती है वहाँ पे काफ़ी मकानों का अतिक्रमण कर रखा है और वहाँ पे एक नगर निगम का मेला था, पशु गौशाला था, उसको भी तोड़ करके जो है सरकारी जो है उन्होंने क्षतिग्रस्त किया और क्षतिग्रस्त करने के बाद में उन्होंने अवैध कब्जा करके आज भी दबंगियाई से वहाँ पर रह रहे हैं, जो कि वहाँ की बहुएँ बेटियों को भी ये रात में छेड़खानी करते हैं और परेशान करते हैं, उनका निकलना और जीना दुश्वार है।